ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जगन्नाथ। गुरु आमर अज्ञानर अंधकारको दूरीभूत करिदेइथान्ति एवं आमको ज्ञानर आलोकरे आलोकित करिदेइथान्ति। श्रीमद् भगवत गीतारे जो ज्ञानर विशिष्ट विभाव विषय रे कुहाजाइछि, हे दर्शक मंडली, हे भक्त मंडली, आमे आपणको अमानित्व मदम्भित्व एही दुईटी विभाव विषय रे सूचना देइथिले। जहांक निकट रे गर्व रहिछि, दम्भ रहिछि, से ज्ञानी विद्वान होइ पारन्ति नाही। स्वाभिमान एक भिन्न जिनिष, भिन्न उपादान, किंतु दम्भ दर्प मनीष को मूर्ख करि देइथाय। ज्ञानी करिबा परिवर्ते, विद्वान करिबा परिवर्ते, आचार्य शंकर जी समस्त ज्ञानर अधिकारी, किंतु शेष पर्यंत से निजको ज्ञानी बोली कहिले नाही, निजको से जगतगुरु बोली प्रतिपादित करिले नाही। तंकर शिष्य माने तंकु जगतगुरु कहिछन्ति, किंतु से निजे निजको जेतेबेले त्रिपुर सुंदरी माँ जगत जननी दुर्गांक निकटरे सौंदर्य लहरी माध्यमरे समर्पित करुछन्ति निजको तंकर पदार बिन्दरे, सेतेबेले से अति विनम्रतार सहित कहुछन्ति, हे माँ, तो निकटरे मोर एकमात्र गोटिए आशीर्वाद भिक्षा करुछि, गोटिए मु तते आजि मिनती करुछि, प्रार्थना करुछि, कदा काले मातः कथय कलिता लक्तकर संपिबेयम् विद्यार्थी तव चरण निर्णी जन जलम। अष्टवर्षे चतुर्वेदान चारि वेद को कंठस्थ करिसारि, 300 ग्रंथ रचना करिसारि एवं प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता एवं ता सहित ब्रह्मसूत्र उपरे भाष्य रचना करी विश्वर अप्रतिद्वंदी विद्वान एवं ज्ञानी भावरे निजको प्रतिष्ठित करि सारिबा परे मध्य मांक निकटरे प्रार्थना करुचन्ति, कदा काले मात कथय कलिता लक्तक रसम पिबेयम विद्यार्थी, हे मा, मोर जीवन संपूर्ण हुई नाही, मते कह केते बळ केति केबे तू मते गोटे विद्यार्थी भावरे आशीर्वाद दबु, मते विद्यार्थी करि दबु केते बळ, जो विद्यार्थी हेकिरी मु तोर पदार बिंदरु निश्चंद हेउचिबा अलक्तक रस को पान करी निजको मु धन्य करिबी। तेणु हे भक्त मंडली, लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन व्यापी प्रक्रिया हेउचे शिक्षा बा ज्ञान। ज्ञान जे आहरण करि देइथाय से ज्ञानी नुहे, ज्ञान जे जीवन जाक आहरण करिवार जहार प्रवृत्ति रहिथाय सेही प्रकृत रे ज्ञानी। जेते आपण जानी जानिका जिबे, आमे जेते जानी जानिका जिबा, जेते आमर ज्ञान बढ़ुथिब सेते सेते आमर विनम्रता आसुथिब एवं आमर गोटे अनुभव होउथिब जे ये विश्व अनंत अखंड ज्ञानर अधिकारी, आमे बोधे ये विशाल सागरर बेलाभूमिरु केते गोटी आमे केवल खाली आमे बालुका कणा आमे संग्रह करिछु सिना, किंतु ये ज्ञानर जो गभीर सागर भितरे प्रवेश करिबा पर्यंत आमे पर्यंत दक्षता अर्जन करि पारिना। तेणु आचार्य शंकर निजको अत्यंत विनम्र करि कहउछन्ति, जो माने बड़ बड़ ज्ञानी, आध्यात्मिक ज्ञानर सर्वश्रेष्ठ चिंता नायक, अचिंत्य भेदाभेद दर्शनर जे हेउछन्ति प्रवर्तक, गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य, से देखुछन्ति दिव्य चेतनार आराधना माध्यमरे जो ज्ञान को आमे आहरण करिथाउ, सेथिपाई से उपाय कहउछन्ति, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, जे तृण ठारु मध्य नीच हेइ न पारे, तरु ठारु मध्य सहिष्णु हेइ न पारे वृक्ष ठारु, से ज्ञान आहरण करिपारिब नाही। तृण होउछि अत्यंत नीच, ता उपरे केते पदाघात लोक करन्ति, किंतु तथापि से नतमस्तक ही समस्त को सही जाए, तरु मध्य गच्छ खरा वर्षा वज्रपात सबु सही करिथाय, किंतु अन्न को से छाया प्रदान करिथाय, सहिष्णुतार अवतार। तेणु ए जो अमानित्व एवं अदम्भित्व ये होचे ज्ञानर प्रथम सोपान, एवं द्वितीय सोपान होचे अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा, कहा को हिंसा करिब नाही, कहा प्रति द्वेष आचरण करिब नाही। जे ज्ञानी, जे पंडित, जे विद्वान, से कर्मरे हेउ, वाक्यरे हेउ, बा कार्यरे हेउ, कहा पछि हिंसा आचरण न करिबा हेउची
ସିଏ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। ଆଜୀବନ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ବ୍ରତ ସିଏ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। କାହା ପ୍ରତି ହୃଦୟରେ ଭାବନାରେ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ନଥିଲା। ହେ ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହି ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ସାଧନା କରିବା ସିଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ନିୟନ୍ତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା।